नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, अब क्यों पूछा गया है वो आप आराम से देखना। आपको कहीं पे ये लग रहा होगा कि इतने इतने बड़े नंबर है, इनका आप एलसीएम लोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जी हाँ, यदि आप लेने पर गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो माइंड है बस, ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अब से जो भी वीडियो जाएंगे जिनमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वो सब प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से आप लिख कर रख सकते हो कि क्वेश्चन आते हैं और वैसे के वैसे आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, डेटा कई बार चेंज होता है, कई बार एज इट इज आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 779, 943 और 123 का इसने हमें एलसीएम पूछा है। अब हम कहीं पे ऐसे करके एलसीएम लेने पर गए कि भाई 7, 7, 9, 9, 4, 3, ठीक है, और 1, 2, 3, तो हमारा काम होने वाला है नहीं। देखो भाई, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे कोई चीज़ें छुपानी नहीं, ठीक है। अब देखो, आप सिर्फ एक ही चीज़ को देखिए, यहाँ से आप है ना डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम को फाइंड कीजिए। तो ये जो 123 है ये क्या होता है, ये होता है 3 × 41। तो भाई आपको 41 है तो देखना नहीं, आपको 3 से देखना है कि 3 का भाग किस किस में जा रहा है, बस उसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं ट्राई। इसमें देखिए 5, 3 कैंसिल हो गया, 7, 5, 12 कैंसिल हो, 5, 1 कैंसिल, यानी कि ये पूरा का पूरा 3 से कैंसिल है, ठीक है। क्या ये 3 से कैंसिल है, यदि हम देखें तो ये कट गया, 7, 8, 16, यानी कि ये कैंसिल नहीं है, ठीक है। ये कैंसिल है, 8, 9 को हमने काट दिया, ठीक है, 8, 9 इसको हमने काट दिया, 7 बचे, ये भी कैंसिल नहीं है, ठीक है। इसको हम देखें, 3 कट गए, ये 3 कट गए, 8 और 4, 12 कट गए, 5 बच रहा है, यानी कि कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ कैंसिल हो रही है, वो है 53,751। तो यही जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो एक मेरी बात अब आराम से सुनिए आप, यदि इस टाइप से क्वेश्चन दे, ठीक है, आपको लगे कि यार ये ज़्यादा टाइम लेगा, हमारा कंज्यूम करेगा, ठीक है, इसमें माइंड भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा यदि हम वैसे इसके बेसिक मेथड से गए ऐसे करके, तो ठीक है ना। तो इनमें आप हमेशा डिविजिबिलिटी का यूज़ किया करो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जहाँ तक मेरी बात है आप अलग से लिख लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं डेटा में भी, कुछ ऐसे देखने से ऐसे लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यदि हम अच्छे से माइंड लगाएंगे तो कोई टाइम नहीं लगने वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।